हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंजन कुमार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल CNC कैड का। अंजन कुमार, आज हम मास्टर कम X5 में एक टूल पर देखेंगे काउंटर। काउंटर में रैंप कैसे करना आज देखेंगे, रैंप में कैसे कटिंग करना। इसके लिए हम इधर एक हमारा को कर्व चाहिए, ये राउंड में हम कट करने के, राउंड में कर्व चाहिए। हमारे यहाँ पे कर्व नहीं है, हमें एक कर्व क्रिएट करना पड़ेगा। कर्व क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट में जाके हम कर्व ऑन वन एज ये सिलेक्ट करके हम इसको ऐसा एक कर्व सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये हमारा कर्व यहाँ पे आ गया, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम अभी टूल पाथ जनरेट करेंगे। टूल पाथ में जाएंगे काउंटर। ओके, अभी ऑलरेडी यहाँ पे चेन सिलेक्ट करके रहता, अगर नहीं रहे तो हम चेन को सिलेक्ट करना। चेन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ऐसा मॉडल का तरफ ऐसा हम माउस लेके जाए तो कलर चेंज होता। कलर चेंज होने के बाद हम क्लिक करेंगे, नहीं तो इधर उधर क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पे ये सिलेक्ट करना बोलते, इसका तरफ जाए तो कलर चेंज होता ऑटोमेटिक। वो कर्व का ऐसा कर्व में माउस टच करे तो सिलेक्ट ऑटोमेटिक वो लेता, कलर चेंज होता। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा हमारा सिलेक्ट हो गया। हमारा वो देखना, हमारा जो आरो है वो कहाँ कौन सा डायरेक्शन में जा रहे है। हमारे को लेफ्ट में कट रखने के, हमारा जो आरो जा रहे है राइट का तरफ जा रहे है। ऐसा है तो हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे। रिवर्स करें तो हमारा आरो अभी लेफ्ट डायरेक्शन में हो गया। हमारा जो कटर है, ये जो राउंड है, राउंड आया वो डायमीटर का लेफ्ट में रनिंग करने का हमारे को ये ध्यान देना पड़ेगा। जब सिलेक्ट करेंगे वो टाइम में ध्यान देना पड़ेगा। ओके, ये सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से ओके ओके करने के बाद पूरा ऑप्शन आ जाता, हम एक एक फिल करेंगे उसको। अभी टूल पथ टाइप हमारा काउंटर है और नेक्स्ट हम टूल ले लेंगे। टूल हमारा एक ले लेंगे। यहाँ पे टूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐसा ब्लैंक पेज आता, इसमें राइट क्लिक करके डिफ़ॉल्ट में 10mm आता, उसको हम छोड़ देंगे। हम एक नया टूल क्रिएट करेंगे। नया टूल क्रिएट करने के लिए इसमें राइट क्लिक, ये ब्लैंक पेज है, इसमें राइट क्लिक करके क्रिएट ए न्यू टूल, सिलेक्ट लाइब्रेरी में भी ले सकते लेकिन हम वहाँ से नहीं लेंगे। हम राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू टूल, क्रिएट न्यू टूल में यहाँ पे पूरा टूल टाइप दिखाता, एंड मिल, फ्लैट एंड मिल टाइप, अलग अलग टाइप रहता, फ्लैट, बॉल, बुल, फेस मिल, रेडियल मिल, चम्पर, स्लॉट मिल, पूरा रहता है इसमें टूल। हमारे को अभी चाहिए फ्लैट मिल। फ्लैट मिल में हम एक 20 का कटर ले लेंगे, 20 यहाँ से ओके करेंगे। ओके, ये भी ओके। हम एक एक पेज फिल करेंगे। यहाँ पे कटर का नाम दे देंगे 20 फ्लैट एंड मिल। और यहाँ पे लिख देंगे हम आउटर कटिंग विथ रैंप। ऊपर से आएंगे, फीड ले लेंगे यहाँ से। टूल नंबर 1 है हमारा, अपसाइड 1 है और डी वाले भी 1 है। डी हम अभी नहीं लेंगे, डी नेक्स्ट ले लेंगे। ये एक बार बिना डी का करेंगे और बाद में डी ऐड करेंगे। और नेक्स्ट हमारा फीड है, फीड 1000, स्पिंडल फीड हमारा 2000 और लॉन्च फीड हमारा 300। ओके, और यहाँ पे हम कमेंट में लिखेंगे 20 फ्लैट एंड मिल आउटर विथ रैंप। ओके, ये हो गया हमारा। ये जो एक पेज है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट होल्डर, होल्डर हमारे को जरूरत नहीं है।
कटिंग पैरामीटर नेक्स्ट। कटिंग पैरामीटर में हम यहाँ पे कंप्यूटर रखेंगे। बेसिकली हम यूज करते हैं कंप्यूटर, वेयर और आप, ये तीन यूज करते हैं। और इसमें कंप्यूटर है। नेक्स्ट काउंटर टाइप में हम यहाँ पे टू डी का जगह में हम रैम रखेंगे। टू डी का जगह में रैम रखेंगे और यहाँ पे एंगल का जगह में हम रैम में तीन ऑप्शन है, एक एंगल है, तीन ऑप्शन देखेंगे आज। एक एंगल है, एक डेप्थ है, एक प्लांज है। हम पहले एंगल में रखेंगे। एंगल रखे तो यहाँ पे रैम्प एंगल देना पड़ेगा, कितना कितना डिग्री में रैम्प करेगा। सपोज हम एक वन डिग्री दिया, यहाँ पे वन आवर सिलेक्ट करेंगे जो कि हेलिकाइल टाइप जाएगा। ओके, ये हमारा एंगल सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे हमारा एंगल सिलेक्ट किया फर्स्ट एंगल। ओके, नेक्स्ट हम दूसरा देखेंगे। अभी तो एंगल सिलेक्ट किया और नेक्स्ट जो है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट में हम इसको रैम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट नहीं आता, विजिबल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हमारा लीड इन लिंक। लीड इन लीड आउट है। लीड इन लीड आउट में हम लीड इन लीड आउट चाहिए, इसमें हम टेंजेंट रखेंगे। यहाँ पे टेंजेंट रखेंगे, लीड इन में टेंजेंट एंट्री और एग्जिट में भी टेंजेंट। टेंजेंट में हम 20% रखेंगे, यहाँ पे 20%। कटर का 20%, यहाँ पे भी 20%। बस उतना यूज हो गया, इसमें लीड इन लीड आउट हो गया। ब्रेक थ्रू हमारा कुछ ज़रूरत नहीं। मल्टीपास हम बाद में देखेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद 2D में देखेंगे। बाद में मल्टीपास अलग से प्रोग्राम करेंगे मल्टीपास के लिए। और टैब उसको कुछ नहीं करेंगे। लिंकिंग पैरामीटर, लिंकिंग पैरामीटर में यहाँ पे हम क्लियरेंस में यहाँ पे टिक करेंगे और यूज क्लियरेंस ओनली एट द स्टार्ट एंड एंड ऑपरेशन, इसको भी हम टिक करेंगे ताकि जब वो स्टार्टिंग में 50 में ऊपर जाकर रुके और एंडिंग में होने के बाद 50 में ऊपर जाए। ये भी हम रिट्रैक्ट 25 रख देंगे, इसको पूरा अब्सोल्यूट रख देंगे। ये 10 रखेंगे फीड प्लेन। 10 से हमारा फीड स्टार्ट होता। और टॉप स्टॉक हम Z0 से स्टार्ट करेंगे तो 0-0 रखेंगे यहाँ पे। अगर नीचे माइनस में प्लस में करना वो भी कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पे डेप्थ, टोटल डेप्थ -20 mm। ओके, ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। होने के बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारा टूल जो आया, टूल पथ ऐसा हमारा क्रिएट हो गया। ओके, ये था हमारा रैम्प एंगल है। अगर इसको हम, ये बहुत ज़्यादा है 1 डिग्री में, हम इसको कम करना बोलते, इसको हम कंट्रोल करना पड़ता है। ऑन वहाँ पे कट पैरामीटर में जाके अभी ये 1 है, इसको हम थोड़ा कम रखेंगे 0.1 ऐसे रखे तो वो थोड़ा क्लोज में आएगी। ओके, ये हमारा ऐसा आ गया। हमारा टोटल है 30, हम 30 दे देंगे, 20 नहीं 30 लगेंगे हम टोटल डेप्थ यहाँ पे लिंकिंग पैरामीटर में -30। ओके, यहाँ पे 30 हो गया। हमारा जो कटर जाएगा वो रैंप पे जाता है। रैंप में कैसे मालूम होता, हमारा हेलिकल टाइप यहाँ से देखे तो ऐसा टूल यहाँ से, अभी इसको हम ऑल्ट प्रेस करके मॉडल को हाइड कर दिया। ओके, हम अभी टूल पाते यहाँ से देखे तो यहाँ से स्टार्ट है, ऐसे देखे तो हमारे को हेलिकल टाइप दिखता यहाँ से। अब ये ऐसे स्टार्ट होके ऐसे जाके ऐसे हेलिकल जाता। हम अभी रन करे तो मालूम होता, वेरीफाई करेंगे यहाँ पर, थोड़ा स्लो रखेंगे स्पीड यहाँ से।
ऐसा हम रन करेंगे। ऐसा हमारा ये जो जेड है यहाँ पे ये दिखता है एक्स वाई जेड कैसे रनिंग हो रहा है, एक्स वाई जेड भी साथ में रनिंग हो रहे हैं, ये रैम में हमारा चल रहा है। ये था हमारा एंगल, और इसको नेक्स्ट और एक देखेंगे हम डेप्थ। डेप्थ देखने के लिए इसको कॉपी करेंगे नीचे, उसमें चेंज करेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक कॉपी, यहाँ से यहाँ पे सिलेक्ट करके पेस्ट। ओके ये हो गया हमारा। इसमें आके हम चेंज करेंगे, इसमें पैरामीटर में जाएंगे। पैरामीटर जाने के बाद यहाँ पे कट पैरामीटर, कट पैरामीटर में हम ये सिलेक्ट कर दिया एंगल। नेक्स्ट जो है हमारा इसको हम करेंगे डेप्थ। नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, ये जो है डेप्थ, डेप्थ सिलेक्ट करेंगे। ओके नेक्स्ट हमारा करेंगे डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ सिलेक्ट किया। डेप्थ में हम रैंप डेप्थ टोटल पूरा घूमने के बाद हमारा कितना डेप्थ चाहिए, हम सपोज वन एम रखेगा एक ही पास में वन एम। ओके यहाँ पे वन आया रैंपिंग फॉर ओपन काउंटर, और यहाँ पे नेक पास आउट फाइनल डेप्थ, इसको हम टिक कंपलसरी करना पड़ता क्योंकि फाइनल में एक राउंड और एक बार घूमना पड़ेगा, नहीं तो स्टेप आ जाएगा। इसको हम टिक करना पड़ता है, दो को कंपलसरी टिक करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और एक बार हम कैलकुलेट करेंगे। ओके ओके करके और एक बार रीजनरेट, इसको हम हाइड करेंगे फर्स्ट वाला को, ये हमारा आया सेकंड वाला। अच्छा ये भी हम हमारा रैंप है, वो था एंगल, ये डेप्थ है, ये भी सेम है। ये भी हम एक बार इसको भी हम वेरीफाई करके देखेंगे, ये वेरीफाई करे तो हमारा ये ऐसा प्ले करते, ये देख यहाँ भी ऐसा हमारा एक्स वाई जेड तीनों रनिंग हो रहा है। और एक हम यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हम स्टॉक सेटअप लगाएंगे, यहाँ पे स्टॉक सेटअप बाउंडिंग बॉक्स। ओके यहाँ पे हमारा 50। ओके इसको हम वेरीफाई करके देखेंगे, ऐसा हमारे को यहाँ पे देखे तो मालूम होता है रैंप। ओके ये रैंप में ऐसा रनिंग हो रहा है। और नेक्स्ट हम और एक रैंप है, रैंप पे और एक ऑप्शन है, उसको हम देखेंगे, उसको यूज करेंगे कब ये साइड कटिंग है तो वो टाइम में हम यूज करेंगे उसको। साइड कटिंग कुछ ओपन स्लॉट है तो उसमें यूज करते, इसको फिर कॉपी करेंगे हम राइट क्लिक कॉपी, इसमें रेड वाला आरो में क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट, नीचे वाला को चेंज करेंगे हम। इसको हम ये जो टूल पथ है इसको हम थोड़ा हाइड करेंगे, और ये भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारा रैम में और एक ऑप्शन है, हम वो ऑप्शन को कहाँ ये फेस कटिंग में यूज करेंगे, ये फेस कटिंग है उसको यूज करेंगे फेस कटिंग में। इसके लिए क्या करना, ये सिंगल एक सिलेक्ट करना पड़ता, ठीक है इसमें जाएंगे और एक बार सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो हम स्टार्टिंग से करते हैं, ये छोड़ देंगे हम स्टार्टिंग से, टूल पथ
काउंटर, काउंटर में जाके यहाँ पे सिंगल, पहले क्या था चेन था, चेन में हम सिलेक्ट करे तो पूरा सिलेक्ट हो रहा था ऐसा, चेन में हम चेन में सिलेक्ट करते पूरा सिलेक्ट हो जाता है एक ही बार में। हम अभी चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे अनसिलेक्ट कर देंगे, हम करेंगे सिंगल, सिंगल में हम ये लाइन को सिलेक्ट करेंगे। ओके ये लाइन सिलेक्ट हो गया हमारा, ओके ओके करने के बाद हमारा पूरा ऑप्शन ओपन हो जाता है। ऑप्शन में सेम काउंटर है, टूल पथ टाइप, टूल में हम 20 mm यहाँ पे फिल करेंगे, 20 फ्लैट, सब कुछ सेम रहता। और यहाँ पे फीड लगा देंगे 1000, यहाँ पे 2000, लॉन्ग में हमारा 300, कमांड में 20 फ्लैट, साइड कटिंग 20 फ्लैट, एंड में यहाँ पे क्या करेंगे साइड कटिंग, हमारा कमांड में साइड कटिंग लिख के, और इसमें 20 फ्लैट एंड में ये हमारा एक पेज हो गया। नेक्स्ट पेज होल्डर यह ज़रूरत नहीं। कट पैरामीटर, कट पैरामीटर में हम यहाँ पे रैम सिलेक्ट करके, पहले 2D डिफॉल्ट में रहता, हम यहाँ पे रैम सिलेक्ट करेंगे, रैम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा प्लांज, प्लांज सिलेक्ट करेंगे, पहले ये एंगल हो गया, नेक्स्ट डेप्थ हो गया, नेक्स्ट जो है प्लांज, ये हमारा प्लांज है यहाँ पे देखे तो ये सब, ये हमारा प्लांज है। ओके ये वाला हम अभी कर रहे हैं, प्लांज हमारे प्लांज में हमारे यहाँ पे डेप्थ आता, कितना डेप्थ देना, 1 mm 2 mm 3 mm ये पे 0.2 कुछ भी मेटेरियल के हिसाब से। हम अभी आप लोग को दिखाने के लिए 1 mm रखा, 1 mm डेप्थ अब कटे, ये डेप्थ अब कटे, रैंप डेप्थ 1 mm है। और ये पेज हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारा लेफ्ट का जगह में हम राइट रखेंगे, क्योंकि हम ए साइड से सिलेक्ट किया, हमारा दो तरफ से कट होता, लेफ्ट राइट कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन अभी हम जो सिलेक्ट किया उसका हिसाब से राइट रखना पड़ेगा, नहीं तो कटर अंदर में चलेगा बाहर नहीं चलेगा। ओके राइट क्लिक किया, नेक्स्ट जो है डेप्थ ऑफ कट इसमें नहीं आता, वो डायरेक्ट हम वहाँ पे दे दिया राम राम डेप्थ। यहाँ पर लीड इन लीड आउट, लीड इन लीड आउट है तो हम क्या करना, इसको इसमें टांजेंट का जगह में, ये जो टांजेंट लिया हम, इसमें हम क्या करेंगे नीचे जो रेडियस का जगह में 0 करेंगे, और इसमें भी नीचे में 0 करेंगे, और ये थोड़ा ज़्यादा करेंगे, कटर का 60% कर देंगे। ओके जो कि बाहर में डाउन होना, 60% कटर का ले लिया हम, और ओके ये हमारा हो गया। ब्रेक थ्रू ज़रूरत नहीं, मल्टीपास ज़रूरत नहीं, बाद में देखेंगे। ये टोटल टोटल हमारा 30 mm है, बाकी सब से हम पहले भर के है। ओके यहाँ पे हमारा टोटल 30 mm। ओके इसको ओके करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा हमारा एक्चुअली वहाँ से चल रहे है, लेकिन हमारे को नीचे चलाने का, नीचे चलाए तो थोड़ा इसको हम, और एक ऑप्शन है हमारे को नीचे चलाने का, हमारा 0 जो है ऊपर है, हम नीचे चलाने के लिए यहाँ पे जो ऊपर से जो स्टेप तक है 30 mm में, यहाँ पे हम -30 लगाएंगे, हमारा टोटल हाइट जो है 50 mm है, हमारा जो स्टार्टिंग होगा टूल पथ -30 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे 50 में -50 तक रनिंग होता है। ओके इसको ओके करेंगे, नेक्स्ट हम और एक रीजेनरेट, ऐसा हमारा टूल पथ आ गया, ऐसे देखे तो फ्रंट व्यू में हमारा टूल पथ ऐसा आ गया। हम एक बार इसको वेरीफाई करके देखेंगे कैसा रनिंग हो रहा है हमारा, ऐसा थोड़ा स्लो लगाएंगे, ऐसा हमारा यहाँ से ऐसे देखे तो क्या हो रहा है, ऐसा रनिंग हो रहा है, यहाँ से डाउन हुआ यहाँ पे गया, और नेक्स्ट हमारा ऐसे देखे तो फिर टूल डाउन हुआ,
पे यार। ये जो टूल पत्ते है बहुत यूजफुल है, जो साइड कटिंग करने के लिए, पार्टिंग करने के लिए ये बहुत यूजफुल है। बहुत साइड से डाउन होता और हम कटर बार बार ऊपर जाने का ज़रूरत नहीं, और इसमें टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, इसमें बहुत यूजफुल है। ऐसा हमारा कटर पूरा बाहर जा रहा है। बाहर जाने के बाद हमारा जो एयर में डाउन होता, कुछ फेस क्लीन करना है तो एक साइड फेस, टॉप नहीं। ओके फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो, काउंटर में रैंप ऑप्शन कैसे यूज करते। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर कोई किसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो मेरा चैनल में नया है, ताकि मैं कभी भी वीडियो बनाए बना के इसमें अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आए। सब्सक्राइब करने के टाइम में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन आए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।